तहसील पत्रकार संघ की ओर से यहां आयोजित हुए एक सामाजिक कार्यक्रम में काफी प्रशंसा बटोरी है। इसकी खास आयोजन पर आइए देखते हैं जुबैर खान की विशेष रिपोर्ट। सोमवार को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर शहर के रेस्ट हाउस में एक बेहद सराहनीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। स्थानीय शिक्षक और पत्रकार मजर अहमद खान का जन्मदिन इस मौके पर एक अनोखे ढंग से मनाया गया। यहां आयोजित कार्यक्रम में मजर खान सर की ओर से 7 दृष्टि बाधित और अंध दिव्यांगों को कपड़ों का वितरण किया गया। इस मौके पर तहसीलदार प्रवीण धानोरकर, प्रभारी मुख्याधिकारी सुधाकर राठौड़, पुलिस निरीक्षक धर्मा सोनू ने, जिला शिक्षणाधिकारी प्रमोद सूर्यवंशी, गट शिक्षणाधिकारी मुकेश कोंडावार, प्राध्यापक सतीश चंद्र बोबड़े, स्वतंत्रता सेनानी प्रकाश अन्ना नालमवार आदि मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित थे। इस दौरान केक काटकर मजर अहमद खान सर का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में दिग्रस तालुका पत्रकार संगठन और ग्रामीण पत्रकार संगठन तथा विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सदस्य सहित समाज सेवी प्रमुखता से उपस्थित थे। इस मौके पर मान्यवरों के हाथों दिग्रस तालुका पत्रकार संगठन के पत्रकारों को पहचान पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन पर तहसीलदार प्रवीण धानोरकर सहित मजर अहमद खान ने अपने चार साझा किए। आमच्या कार्यक्रमामध्ये विविध उपक्रम राबवला होता आणि आजचा जो उपक्रम आहे अंध अपंग दिव्यांग आपण त्यांना म्हणतो, दिव्यांग म्हणजे ते ऍक्च्युअल काहीतरी आपल्यापेक्षा वेगळं करतात, अंध असून पण तबला वादन करण्याची खूप मोठी गोष्ट आहे। अशांना आपण गरजू साहित्य वाटप केलं त्याबद्दल मी त्यांचे विशेष आभार करतो। असं म्हणतात की मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, मी तर म्हणतो की आजकाल मीडिया इज द फर्स्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। असं त्यांचं आपल्या ग्रामीण भागामध्ये विविध योजनांचं, विविध स्कीम, शासनाच्या विविध जे प्रकल्प असतील त्याबद्दल माहिती बोलायचं काम ते करतात। 15 ऑगस्ट स्वतंत्र दिन व स्वातंत्र्य दिनाच्या अमृत महोत्सवा निमित्त माझ्याकडून आमच्या सर्व पत्रकार बांधवाकडून शुभेच्छा। दुसरा नंबर की माझा वाढदिवसानिमित्त ज्या लोकांनी आपण सर्वांनी जे बहुमोल वेळ दिला, मला शुभेच्छा दिल्या, आशीर्वाद दिला, त्याबद्दल मी आपण सर्वांचा आभारी। इस कार्यक्रम का खूबसूरत अंदाज में संचालन आमीन चौहान ने किया। वहीं कार्यक्रम में पूर्व सैनिक प्रकाश अन्ना नालमवार, पूर्व जिला न्यायाधीश संतोष जायसवाल, दिग्रस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट केशव वानखेड़े, अतिक भाई महाराष्ट्र वाले, अफजल बेग आदि मान्यवरों ने भी इस कार्यक्रम में हाजिरी लगाई। बहरहाल कुल मिलाकर इस कार्यक्रम में दृष्टिबाधित दिव्यांगों को भेंट देकर स्वतंत्रता दिन और मजर अहमद खान सर के जन्मदिन के औचित्य पर आयोजकों ने जिस अंदाज में सामाजिक दायित्व का जो उजियारा बिखेरा है वो काबिले तारीफ है, जिसकी सराहना समाज के हर स्तर पर की जा रही है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिग्रस तालुका पत्रकार संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने योगदान दिया है। BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।